नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाही न्यूज़, मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी इस वक्त पटना में हैं और पटना के विभिन्न जगहों पे उनकी छठ पूजा गाने की शूटिंग चल रही है और साथ ही कुछ लोकगीत गानों की भी शूटिंग चल रही है। बता दूं कि जब भी अक्सर टाइम मिलता है हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी पटना आते हैं, पटना के विभिन्न जगहों पर उनकी शूटिंग चलती है और काफ़ी मेहनत भी रहती है। एक तो स्टूडियो में डबिंग रहती है, दूसरी शूटिंग सेट पे जाना, फिर वहाँ पे वीडियो की शूटिंग होना, यानी कि कहें तो तमाम जो चीज़ें होती हैं फटाफट करना रहता है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद छठ पूजा की जो सीज़न है वो भी शुरू हो गई है और गाने भी अब धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आदिशक्ति की शूट, साथ ही अन्नपूर्णा फिल्म की शूट, कहें तो कई ऐसी बड़ी चैनलें हैं जिनकी शूट पटना में निरो खेसारी लाल यादव जी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई जगहों पे वीडियो शूट करके यह भी कहा कि हम बहुत जल्द जो सारे गाने हैं वो गाने हमारे फैंस के बीच आएंगे। साथ ही उनकी मूवी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हमारी जो मूवी है आशिकी छठ पूजा में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म लिट्टी चोखा के अपार सफलता के बाद अपने फैंस को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि मेरी फिल्म बैक टू बैक हिट रही। पहली बात करें तो बापजी जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की, इसके बाद रिलीज हुई दशहरे में उनकी दो पिक्चर, पहली पिक्चर की बात कर लें लिट्टी चोखा, दूसरा प्यार किया तो निभाना, तो सारे पिक्चरों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। जिसके बाद हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि मीडिया के साथ बातचीत की और साथ ही उस बातचीत में उन्होंने कहा कि भले ही मुझे फैंस के बीच जाने का मौका नहीं मिला लेकिन तमाम चीज़ें जो थी वो बहुत जल्द होने वाली है। वहीं अगर उनकी पटना में वीडियो शूटिंग की बात करें तो लगातार कई जगहों पे उनकी शूटिंग चल रही है और शूटिंग में छठ पूजा के गाने, साथ ही लोकगीत जो हैं गाने, वो सारे गानों की शूटिंग हो रही है। ऐसे में कहें तो एक बड़ी खुशखबरी है फैंस के लिए, क्योंकि दशहरे की सीज़न में आपने देखा था कि किस तरह हिट मशीन के सारे गाने आए थे और गाने बजे भी थे कुछ, हालांकि बैक टू बैक गाने आने की वजह से कुछ गानों को रिस्पॉन्स कम मिला था, लेकिन छठ पूजा के गाने आने शुरू हो जाएंगे, हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और साथ ही कमेंट करके अभी बताना होगा कि दशहरा आप लोग का कैसा रहा। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक बड़ी अपडेट अगली वीडियो में देने वाला हूं कि आपके साथ खेसारी लाल यादव जी मिलने भी वाले हैं और अपने दिल की बातें भी करने वाले, लेकिन कहाँ और कब, हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ खास है। नमस्कार।